बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो टुडे वी गोना मेक और प्रिपेयर अ लेआउट दैट वी यूज्ड फॉर पोस्टर प्रिंटिंग लेआउट। ठीक है, आज हम पोस्टर जो होते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, बैनर्स होते हैं, जैसे कि फ्लेक्स होते हैं, ठीक है, उसी तरह पोस्टर्स होते हैं, आपने अक्सर देखे होंगे लगे हुए, ठीक है, उसको हम आज बनाना सीखेंगे। हम पोस्टर नहीं बनाएंगे, हम आज सिर्फ उसका लेआउट बनाएंगे। लेआउट का मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, मैं आज फिर से बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा लेआउट एक बेस होती है, एक दायरा होता है जिसके ऊपर आप अपने डिज़ाइनिंग करते हैं, अपना आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लेआउट होता है, अगर आप उसको क्रिएट नहीं करेंगे और सिंपल इसी तरह आप आर्टबोर्ड के ऊपर, किसी भी आर्टबोर्ड के साइज़ के ऊपर आप उसको डिज़ाइन करने लग जाएंगे, आर्टबोर्ड उसको क्रिएट कर लेंगे, लेट्स से आपने एक पोस्टर बना लिया किसी भी आर्टबोर्ड के साइज़ के ऊपर, ठीक है, और अब आप उसको प्रिंट करवाने जाएंगे तो पहले तो आपको कोई मसला नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करवाने जाएंगे तब आपका जो शेप होगी, आपका डिज़ाइन, आपका आर्टवर्क सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हम एक लेआउट लेते हैं पहले से ही, ठीक है। लेआउट आपने हमेशा पहले लेना है, डिज़ाइन करके अपना आर्टवर्क बना कर नहीं लेना, फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा उसको उसके ऊपर सेट करना, ठीक है। तो पहले लेआउट क्रिएट करें, उसको सीखें कि लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। हर चीज़ का लेआउट अलहदा से सेपरेट क्रिएट होता है। पोस्टर का लेआउट अलहदा होता है, बाईफोल्ड ब्रोशर का अलहदा होता है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर का अलहदा होता है, बिजनेस कार्ड का अलहदा होता है, ठीक है। इसी तरह आईडी कार्ड्स होते हैं, जो ऑफिस के आईडी कार्ड्स होते हैं, स्टूडेंट्स आईडी कार्ड, प्रोफेसर्स व्हाटएवर, टीचिंग स्टाफ के लिए आईडी कार्ड होते हैं, इन सब के जो लेआउट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और इनमें से तीन चार जो लेआउट्स हैं वो मैंने बनाकर दिखा दिए हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर लेआउट को देख सकते हैं। उसमें मैंने सिर्फ लेआउट ऐड किए हैं, बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो हमारी Adobe Illustrator CC के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाले का ऊपर आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पे ऐड भी कर दूंगी, तो आप यहाँ से उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लेआउट नहीं बनाएंगे तो जब आप डिज़ाइन बनाकर इसी तरह प्रिंट करवाने चले जाएंगे तो आपके पास दो मसले आ सकते हैं। या तो आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अंदर की तरफ, ठीक है, प्रिंट हो जाएगा और उसमें जो वाइट स्पेस है वो शो हो जाएगी, ठीक है। या दूसरा मसला ये हो सकता है कि आपका डिज़ाइन ज़्यादा बाहर की तरफ हो जाएगा और वो जो उसमें कटिंग है वो आपके डिज़ाइन के ऊपर से ही हो जाएगी, तो कटिंग जब होगी तो आपका डिज़ाइन जो है हाफ कट जाएगा और बाकी आधा रह जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या ही डिज़ाइन वो रह गया कि आधा कट गया और आधा रह गया। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक लेआउट क्रिएट करते हैं, लेआउट को समझते हैं, क्लियर करते हैं, उसको बनाते हैं और फिर उसके ऊपर हम अपने आर्टवर्क को बनाते हैं, ताकि हमारी जो प्रिंटिंग के टाइम है या कटिंग के टाइम हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि लेआउट क्या होता है और हम उसको क्यों क्रिएट करते हैं। तो पोस्टर का बनाएंगे आज हम लेआउट। अगर आप लोगों ने बाईफोल्ड और ट्राईफोल्ड के ब्रोशर्स, उनके लेआउट देखने हैं, उनके प्रिंटिंग लेआउट की सेटिंग्स देखनी है, आप उसको मेरी इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक फाइल लूँगी, न्यू पिक क्लिक करें या Ctrl+N प्रेस कर दें, आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे मैं प्रिंट लूँगी। ऑब्वियसली जो भी चीज़ आपने प्रिंट करवानी है उसके लिए आप प्रोफाइल हमेशा प्रिंट ही लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स मान लेंगे, अगर टू जो पोस्टर्स हैं वो एक साइडेड ही होते हैं, मतलब फ्रंट साइडेड ही होते हैं, उसकी बैक साइड नहीं होती है, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा होगा जब पोस्टर्स होते हैं वो पहले वॉल्स पे लगते थे, ठीक है, किसी भी कमरे पे लगते हैं, किसी ऑफिस पे लगा दिया, किसी ऑफिस के बाहर वॉल पे लगा दिया, दरख्तों पे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह पोस्टर्स लगते थे, अब भी लगते हैं कहीं पर, लेकिन जो ज़्यादातर हैं आप लोगों ने देखा होगा फ्लेक्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी स्क्रीन जो बोर्ड्स होते हैं, बिल बोर्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनके ऊपर लगते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक कोई भी स्टैंडर्ड साइज नहीं है, जितना आपका बिलबोर्ड होगा उतना ही आप पोस्टर का साइज रखेंगे, उसके हिसाब से आपकी विड्थ और हाइट होगी। तो जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई सा भी रैंडम सा साइज ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी कस्टमर के लिए बनाना है, किसी क्लाइंट के लिए बनाना है, आपका कोई ऑर्डर है, तो प्लीज़ जस्ट कंफर्म इट फर्स्ट कि आपको क्या भी कस्टमर को किस साइज़ का चाहिए, उसको क्या वेट चाहिए, क्या हाइट चाहिए। इसके बाद ये ना हो कि आप अपनी मर्जी से बना दें और बाद में वो कहें कि नहीं ये तो साइज़ एग्जैक्ट है ही नहीं जो मुझे चाहिए था,
तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि आप लोगों से गलती ना हो। आप लोग जब कस्टमर से बात करें तो आपको क्या कुछ पूछना है, तो मैं इस चीज़ की भी इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखें, ठीक है। तो इसलिए जो पोस्टर्स का मैंने आपको बता रही हूँ, कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, हम रैंडम साइज़ लेते हैं। हमेशा आपने जब भी क्लाइंट के लिए बनाना है तो आप उससे पूछ कर कोई भी विड्थ और हाइट इसमें यहाँ पे पुट करेंगे तो वो आपको आ जाएगा। उससे पूछ लें कि मिलीमीटर्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, आप उसके हिसाब से यहाँ से यूनिट्स भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलीमीटर्स ले रही हूँ और यहाँ से मैं साइज़ इसका A3 लूँगी, ठीक है। A3 यहाँ सबसे छोटा साइज़ होता है तो मैं A3 पर ही यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं निकलवाना है, मुझे इसको रैंडमली सिर्फ आपको बनाकर दिखाना है, तो मैं एक रैंडम लेआउट बनाकर आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसकी A3 की ये विड्थ और हाइट आ जाएगी। अच्छा, अब बाइफोल्ड ब्रोशर और ट्राइफोल्ड ब्रोशर में मैंने जो उसकी लेआउट की प्रिंटिंग वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया है कि उसमें हम ब्लीड लेते हैं, ब्लीड क्या होती है और उसको हम क्यों लेते हैं, ये सब मैंने उसमें बताया है, ठीक है। उसमें हम ब्लीड की वैल्यू भी पुट करते हैं और जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि ब्लीड क्या होती है और हम क्यों लेते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे, पोस्टर में ब्लीड नहीं होती है, और क्या होती है और क्यों नहीं लेंगे हम पोस्टर में वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी के लिए आप देख लेंगे प्रिंट करवा रहे हैं तो कलर मोड आपका हमेशा स्मिक ही होना चाहिए और रास्टर इफेक्ट 300 pixels per inch, इस पर आप क्लिक कर दें और ये ओके हो जाएगा, ठीक है। और पोस्टर मैं ऑब्वियसली पोर्ट्रेट मोड में ले रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक चीज़ आ चुकी है, एक आर्टबोर्ड आ गया है। अब मैंने यहाँ पे ब्लीड नहीं ली, क्यों नहीं ली और ब्लीड क्या होती है। ब्लीड यहाँ पर एक जब आप उसकी वैल्यू पुट करते हैं, जब मैं मिलीमीटर्स में यूज़ करती हूँ तो उसको 3 millimeter में उसकी वैल्यू लेती हूँ। मिनिमम 3 millimeters होती है, मैक्सिमम आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, ठीक है। ब्लीड क्या होती है कि यहाँ पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ हो जाती है और जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, लेट्स आप बनाते हैं तो इस तरह यहाँ पे लेट्स से एक ब्लीड है, तो वो आप उस ब्लीड से आप समझ लेंगे यहाँ पे ब्लीड है, मैंने उस ब्लीड से यहाँ पे ड्रॉ करना है। और हम उस ब्लीड से क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि जब प्रिंटिंग में जाता है हमारा कोई भी डिज़ाइन, हमारा आर्टवर्क, लेट्स से ब्रोशर जा रहा है, बिजनेस कार्ड जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं या फूड फ्लायर्स होते हैं, उनके लिए आप क्या करते हैं, ब्लीड यूज़ करते हैं। ब्लीड को आप लेते हैं, उसकी वैल्यू पुट करते हैं, ब्लीड आती है और आप ब्लीड से अपने डिज़ाइन को बनाते हैं, ताकि जब आप प्रिंटिंग करवाने जाते हैं तो जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कट जाता है और आपका एग्जैक्ट आर्टबोर्ड वाला डिज़ाइन जो उसके अंदर तक होता है सिर्फ वही आपके पास प्रिंट होकर आ जाता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों में ब्लीड नहीं लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है, जैसे आपने बनाया तो यहाँ पे है, लेकिन जब प्रिंट होगा तो वो या तो थोड़ा सा अंदर की तरफ होगा तो आपका यहाँ पे वाइट स्पेस आ जाएगी जो कि बहुत बुरी लगेगी, और कटिंग में भी ये बिल्कुल अंदर आएगी, आपके डिज़ाइन के साथ शो होगी, तो वाइट स्पेस हमें नहीं चाहिए होती, ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम ब्लेड लेते हैं। या क्या होता है कि मैंने इस तरह डिज़ाइन बनाया तो वो कटिंग लेटर मैंने यहाँ तक बना लिया तो वो कटिंग यहाँ से हो जाएगी या बाहर से हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करके जो आपका डिज़ाइन होता है, आपका आर्टवर्क वो सारा ख़राब हो जाता है, या प्रिंटिंग के टाइम या कटिंग के टाइम। तो इसलिए उससे बचने के लिए आप ब्लीड लेते हैं। लेकिन अब हमने पोस्टर में ब्लीड क्यों नहीं ली, पोस्टर में ब्लीड हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि पोस्टर में हमें वाइट स्पेस जो मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस होती है वो हमें चाहिए होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो पोस्टर्स होते हैं वो बिलबोर्ड्स पे लगते हैं, ठीक है। अब अगर हम पूरा एग्जैक्ट जो हमारे पास डिज़ाइन है उसी को बिलबोर्ड के ऊपर लगा देंगे तो उसकी जो हाफ ऊपर और यहाँ से लेफ्ट और राइट साइड है, स्पीड में बोल रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा जुबान ऐसे हो गई है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, ओके। तो उसकी जो लेफ्ट और राइट साइड है या ऊपर और नीचे से हम कह सकते हैं, अगर हम उसको बिलबोर्ड के ऊपर एग्जैक्ट उसकी डिज़ाइन में लगा देंगे तो जो उसका आधा डिज़ाइन है वो छुप जाएगा, उस बिलबोर्ड का जो ऊपर से थोड़ा सा फ्रेम होगा उसमें छुप जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एग्जैक्ट बगैर ब्लीड के बनाते हैं और उसको जब प्रिंटिंग के टाइम हम उसमें एक्स्ट्रा वाइट स्पेस रखते हैं, कटिंग के टाइम भी हम उसको वाइट स्पेस देते हैं ताकि जो वाइट स्पेस है वो उसके फ्रेम के अंदर छुप जाए और जो हमारा एग्जैक्ट डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ हमें नज़र आए, ठीक है। तो इसलिए आपने जब भी पोस्टर बनाना है, उसका लेआउट बनाना है, उसमें आपने ब्लीड नहीं यूज़ करनी, बाकी ब्रोशर और फ्लायर्स और बिजनेस कार्ड वगैरह में आपने ब्लीड यूज़ करनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया हो। और ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड आ चुका है, अब हमें क्या करना है,
सबसे पहले ये मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ और इसको बिल्कुल आर्टबोर्ड के ऊपर ड्रॉ करूँगी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया और अब मुझे इसके अंदर ड्रॉ करना है एक इनसाइड मार्जिन। इनसाइड मार्जिन क्या होता है, हम इनसाइड मार्जिन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे, अच्छा इसको भी यहाँ रहने देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक टाइप टूल लिया, कुछ भी मैं टाइप कर रही हूँ, लेट्स से मैं डिज़ाइन डोजो यही टाइप करी, ठीक है। इसके साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ 48 इंचेस। अब अगर मैं इसको यहाँ पे, जो हमारा एग्जैक्ट आर्ट बोर्ड का साइज़ है, अगर मैं इसको यहाँ पे ही इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ, बिल्कुल आर्ट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए ये चीज। अच्छा, अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे टाइप करूँगी अपने किसी भी चीज़ को, मुझे कुछ टाइप करना है, कोई स्लोगन है, कोई नेम है, कंपनी का नेम है, ब्रांड का नेम है, या मेरे पास आइकन है या लोगो है, अगर मैं एग्जैक्ट उसको यहाँ पे करूँगी, ड्रॉ करूँगी या टाइप करूँगी, तो जब प्रिंटिंग होगी तो वो भी यहाँ से हाफ डिज़ाइन कट जाएगा, और लेट्स से मैंने डिज़ाइन लिखा हुआ है तो डी उसका कट जाएगा, सिर्फ ये ई के आगे जो जितना भी पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना होता है, आप इसको इस तरह नहीं लिखते हैं, हम हमेशा एक इनसाइड मार्जिन लेते हैं, सेफ एरिया जिसको हम कह सकते हैं, ताकि हमारा डिज़ाइन है सिर्फ उसके ऊपर, जो मेरा डिज़ाइन है उसके अंदर ही रहे, उसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं और वो सेफ रहता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिनमें मैंने लेआउट बनाने सिखाए हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने दोबारा से एक्सप्लेन की है। तो आई एम सॉरी अगर आप लोगों के लिए बोरिंग हो गई थोड़ी क्लास, लेकिन जिन लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी वो सीधा इस पोस्टर वाली वीडियो पे आए, तो आई थिंक मुझे ये सब कुछ एक्सप्लेन करना था ताकि उनके लिए कुछ भी मुश्किल ना हो। अगर मैं एग्जैक्ट ही बता देती तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती समझने में, उनको समझ आती कि ब्लीड क्या है और इनर मार्जिन क्या है। तो इसलिए मैं दोबारा से हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो जो कि सिर्फ पोस्टर वाली वीडियोज़ देख रहे हैं। ओके, अब जो इनसाइड मार्जिन है वो हम लेंगे -3 मिलीमीटर, ठीक है। ओके, -3 नहीं लेंगे, मतलब जितना मर्जी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 10 मिलीमीटर ले सकते हैं, 20 मिलीमीटर ले सकते हैं, जितना आपको अंदर की तरफ मार्जिन चाहिए है आप उतना ले सकते हैं, ठीक है, जितने मार्जिन में आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको पॉजिटिव में नहीं लेंगे, हम इसको नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि अगर लेट्स से ये देखिए मैं पॉजिटिव अभी लिखा हुआ है और मैं प्रीव्यू करती हूँ तो ये बाहर की तरफ हमारे पास आ रही है, लेकिन मुझे अंदर की तरफ मार्जिन चाहिए, तो मैं इसलिए इसको लेट्स से -8 ले लेती हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं प्रीव्यू करूँगी तो ये देखें अब अंदर की तरफ आई, तो हमें अंदर की तरफ जब भी चाहिए होगा तो हम उसको माइनस में लेंगे, नेगेटिव वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इनसाइड मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह रहने दे सकते हैं, आप इसको में गाइड लेफ्ट क्लिक करके में गाइड कर सकते हैं, गाइड में चेंज हो जाएगी, ठीक है, ताकि जो गाइड्स हैं वो आपकी प्रिंट नहीं होती हैं। इसलिए आपने ये मसला हमें क्रिएट नहीं करना कि भाई ये ड्रॉ कर दी है अब ये प्रिंट के टाइम आ गया, तो नहीं आएगा, गाइड्स प्रिंट में प्रिंट नहीं होती हैं। तो सिर्फ आपके पास एक मार्जिन लाइन बन जाएगी कि ये आपको सिर्फ आपको नज़र आएगी जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कि मुझे इसके अंदर ड्रॉ करना है। तो अब आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे, जैसे मुझे ये सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, मैं इस तरह से ले रही हूँ, कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है, तो मैं सिर्फ इस मार्जिन के अंदर रहकर करूँगी और इसके अंदर से जो भी होगा वो इसके अंदर ही रहेगा, प्रिंटिंग के टाइम कटिंग के टाइम हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें कंट्रोल सी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ, इनको मैं कर देती हूँ डिलीट, हमें ये नहीं चाहिए। अच्छा, अब बात करती हूँ आखिरी बात जो कि है ट्रिम मार्क्स की। ट्रिम मार्क्स हम ब्रोशर में लगाते हैं, बिजनेस कार्ड में लगाते हैं, ट्रिम मार्क्स कह सकते हैं, क्रॉप मार्क्स कह सकते हैं, या आप कट मार्क्स उनको कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके ये क्रिएटिव मार्क्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी तो ये देखें अब ये ग्रेडेड था पहले, अब यहाँ से आप इसको यूज़ करेंगे तो ये ट्रिम मार्क्स होते हैं, ठीक है। और लेकिन हमें यहाँ पे ये ट्रिम मार्क्स नहीं चाहिए, मैं कंट्रोल सी कर रही हूँ। और इफेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉप मार्क्स मिल जाएंगे, ये भी सेम चीज़ होती है। तो
आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप मार्क्स और ट्रिम मार्क्स आपने पोस्टर में नहीं यूज़ करने हैं। ये सिर्फ तब होते हैं जब आप बताना चाहते हैं ब्रोशर में कि हमें, जब आप ब्लेड को यूज़ करेंगे तभी आपने ट्रिम मार्क्स को यूज़ करना है। बस ये वाली बात याद रख लें, ठीक है, कि अब आपने पोस्टर में ब्लेड नहीं यूज़ की तो आपने ट्रिम मार्क्स भी नहीं यूज़ करने। ट्रिम मार्क्स हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमने ब्लेड में एक्स्ट्रा चीज़ ड्रॉ की होती है ब्लेड लेकर, तो हमें ट्रिम मार्क्स हम अपने आर्ट बोर्ड के एग्जैक्ट साइन के ऊपर लगा देते हैं ताकि हमें, हम उनको बता देते हैं कि प्रिंट जब करवाने जाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि ये इनका एग्जैक्ट आर्ट बोर्ड का साइज है और जो बाहर वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, तो हम इसके ऊपर जो ट्रिम मार्क होता है वो सिर्फ वहीं से उसको प्रिंट करता है और वहीं से कटिंग होती है उसकी, ठीक है। तो प्रिंट वाले के लिए आसानी हो जाती है, कटिंग करने के लिए आसानी हो जाती है ट्रिम मार्क्स में, लेकिन पोस्टर में हमें ऐसा कुछ नहीं करना। जब हमने ब्लेड ही नहीं ली तो हम ट्रिम मार्क्स भी नहीं लेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट यहीं से अपने डिज़ाइन को कट करवाना है जो हमारा आर्ट बोर्ड का साइज है, तो इसलिए ना हम ट्रिम मार्क्स लेंगे ना क्रॉप मार्क्स लेंगे, इसको हम इस तरह ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। आप लोग रूलर ले सकते हैं और यहाँ से गाइड्स ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से अपनी ईजीनेस के लिए इनको ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि सिर्फ इतना आपका मार्जिन है, ठीक है। मैं लेट से यहाँ पर भी लेकर एक यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, एक मैं बिल्कुल यहाँ पर रखूँगी, आप उनके ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास ऑलरेडी गाइड्स मैंने बना दी हुई हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, चलिए इसको डिलीट नहीं रहने देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये बिल्कुल यहाँ पर ही रखते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया है, दोबारा से बता रही हूँ, आप गाइड्स लेकर अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं कि ये हमारा मार्जिन एरिया है, हमें सिर्फ इसके अंदर अंदर डिज़ाइनिंग करनी है, वरना जो आपका गाइड्स हैं वो प्रिंट में नहीं शो होती हैं, वो गायब हो जाएंगी, ठीक है ना, गायब हो जाएंगी, तो इसकी आपने परेशानी नहीं। ओके, तो ये था हमारा आज का पोस्टर का लेआउट। इसकी जो प्रिंटिंग सेटिंग्स हैं वो सिर्फ इतनी सी हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने इसमें ये कुछ बातें हैं समझ लेनी है और आपको आई थिंक लेआउट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। हमेशा लेआउट बनाएं और उसके बाद उसके ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, लास्ट बात, आप इसको सेव भी कर सकते हैं टेम्पलेट को, ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है जिसमें मैंने लेआउट बनाने सिखाए हैं, तो मैं आज फिर से बता देती हूँ कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, फाइल में जाना है और ये आपके पास ये सेव इस टेम्पलेट, ठीक है, इसको ले लेंगे तो जो आपका टेम्पलेट होगा वो बिल्कुल वैसे ही सेव हो जाएगा। लेट्स से इसको डॉक्यूमेंट्स में, ये देखिए मैंने कुछ सेव भी करके दिखाया हुआ है। अगेन आप इसको नेम दे सकते हैं, हमारा ये है पोस्टर का, तो मैं इसको पोस्टर लेआउट सेव कर दूंगी, ठीक है, और सिंपल आपने सेव कर देना है, ये सेव हो जाएगा। तो आप इसको जब भी दोबारा से आपको पोस्टर बनाना होगा, अब आप इसके ऊपर पोस्टर के ऊपर डिजाइनिंग कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से कभी पोस्टर बनाना पड़े तो सिंपल वहां से आप लेआउट निकालें और उसको यूज करें, आपको बार बार लेआउट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम की बचत होगी, आपके लिए इजीनेस होगी। निकालना कहाँ से, यूज कहाँ से करना है, फाइल में जाके न्यू फ्रॉम टेम्पलेट शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन इसकी शॉर्टकट की है, आप उसको भी प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट में इसको सेव किया है, तो ये देखें कि ये यहाँ पर हमारे पास आई थिंक यहीं पर हमने सेव किया, पोस्टर लेआउट न्यू और सॉरी इसे ओपन, यहाँ से ये देखें ओपन होकर एग्जैक्ट वैसे ही आ गया जैसे हमारे पास था, ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह कर देती, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पोस्टर के लिए आपकी सेटिंग्स। प्रिंटिंग के लिए आपने हमेशा इसकी इस तरह से ही सेटिंग करनी है, आपने हमेशा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कस्टमर से अपने पोस्टर का साइज़ पूछकर उसकी विड्थ और हाइट कंफर्म करके फिर ही, उस स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता इसका कोई भी, तो आप उसको वही विड्थ और हाइट जो है अपने आर्ट बोर्ड में प्लेस करें और उसका आर्ट बोर्ड बनाकर उसका लेआउट बनाएं, फिर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग शुरू करें। तो यहाँ तक था सिर्फ पोस्टर का लेआउट। तो आई होप अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि मैं कुछ पोस्टर में डिज़ाइनिंग करूँ, कोई पोस्टर बनाकर दिखाऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं पोस्टर में आती है या कुछ और बनाकर हम देखते हैं। चलें, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर लाइक किया करें और बहुत सारे शेयर किया करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं।
मैं लेकिन आपका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे 1001 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं। ठीक है, तो अपनी क्लास यहीं भी ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।